हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर में खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। और मैं भगवान जी से दुआ करती हूँ आप सभी के लिए कि आपका परिवार खुशहाल रहे और आपके घर में सुख शांति बनी रहे। फ्रेंड्स, आज मैं चटनी की रेसिपी बना रही हूँ, तो आप ज़रूर देखें। और इस चटनी को हम ब्रेड के साथ में, बच्चों को के लंच में भी ब्रेड में लगा के दे सकते हैं, या घर में भी इसे नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में हम खा सकते हैं। और इस चटनी को हम चपाती के साथ भी खा सकते हैं, इडली के साथ भी खा सकते हैं। खास तौर पर ये इडली के साथ बहुत ही टेस्टी लगेगी आपको। जो मैंने चटनी में अनारदाना डाला है, उसके बदले आप इमली भी डाल सकते हो और नींबू भी डाल सकते हो। और इसमें मैंने पुदीना नहीं डाला क्योंकि मेरे पास पुदीना नहीं था। अगर पुदीना डल जाता तो बहुत ही यम्मी वाली चटनी बननी थी। तो आप प्लीज़ इस रेसिपी को घर पे ट्राई करना जी। वैसे तो सभी को आती होगी मुझे लगता है, पर मेरी छोटी सी कोशिश थी कि मैं इस तरह से चटनी बनाऊं और आपके साथ शेयर करूं। तो प्लीज़ आप इस रेसिपी को फुल देखें और लाइक का ज़रूर कर देना फ्रेंड्स। और दिल से शुक्रिया आपका, आप मुझे बहुत हमेशा सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे ही आप हम अपना प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ बनाए रखना। और दिल से शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच आप फ्रेंड्स। और आप देख लीजिए आप मैं कैसी रेसिपी बनाती हूँ, जो आपको अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच आपका फ्रेंड्स। मैं बना रही हूँ आज मटर की चटनी, जिसके लिए मैंने मटर लिए हैं इतने से, देख लो आप, क्योंकि हमारी फैमिली छोटी ही है, तो मतलब मैं कम ही बनाऊंगी। और ये काले चने, इसमें आप दले चने वाले दाल भी ले सकते हैं। और ये अदरक है, और ये अनारदाना, इसके बदले आप इमली की इमली होती है वो भी ले सकते हैं। और ये मिर्चे अपने जैसे भी आपको टेस्ट लगे, ज़्यादा कम आप ले सकते हैं। और ये टमाटर, अब तैयारी करती हूँ मैं चटनी बनाने की, ठीक है जी। सबसे पहले मैं चने को भून लूँगी, वैसे तो भुने हुई है पर थोड़ा सा इसको गर्म कर दूँगी। मैंने चने डाल दिए हैं चार में, और ये अनारदाना है, मैंने इसको जार में पीस दिया था। अब मैं डालूंगी इसमें अदरक, मटर और ये डाल दूंगी मैं मिर्चे, दो ही मिर्चे डाली मैंने, और टमाटर डाल दूंगी इसमें। मिर्चे मैंने कम डाली क्योंकि मेरा बेटा है वो खाता ही नहीं है मिर्चे। मैंने डाल दिया इसमें पानी और थोड़ा सा। फ्रेंड्स, ऐसी बनी है ये। अभी मैं इसको बाउल में निकाल के आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, अब इसमें डाल रही हूँ मैं नमक 1 चम्मच, छोटे वाला। अब ये है राई और ये है जीरा। अब मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है थोड़ा सा, और
ये लिए मैंने टेस्ट करने के लिए कि कैसे बनी है। फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत ही टेस्टी। आप इसको पुलाव के साथ, खिचड़ी वगैरह जैसी होती है कोई सब्जी आप बनाते हैं उसके साथ खा सकते हैं, नहीं तो चपाती के साथ भी ऐसे भी खा सकते हैं। अगर आपके घर में कोई सब्जी नहीं हो तो चटनी जैसे बना के भी खा सकते हैं। बहुत टेस्टी लगी मुझे तो। आप भी बनाएं और आपको वीडियो कैसी लगी चटनी की ज़रूर कमेंट करें, लाइक करना और सब्सक्राइब करना और शेयर करना प्लीज़।